नमस्कार, मैं मनीष मिस्त्री। स्वागत है आपका मनीष मिस्त्री चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे 100 क्वेश्चन सीरीज बायो पार्ट 24। लाइकेन, कवक एवं शैवाल के संयुक्त रूप को लाइकेन कहते हैं। कवक एवं शैवाल इस प्रकार से रहते हैं कि ये एक ही पौधे के समान दिखाई देते हैं। लाइकेन में कवक एवं शैवाल एक दूसरे को सहायता पहुंचाते हैं। कवक जल एवं खनिज लवण शैवाल को देता है और शैवाल कवक को भोजन प्रदान करता है। पेड़ की छालों पर उगने वाले लाइकेन को कॉर्टिकोल्स कहते हैं। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को सेसिकोल्स कहते हैं। लाइकेन का महत्व मृदा निर्माण में, भोजन के रूप में, वर्णक पदार्थ बनाने में, नीला रंग, ऑर्किल, लोकेनोरा नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। लिटमस पत्र जो प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है, रोसेला से प्राप्त किया जाता है। मिर्गी, डायरिया, जॉन्डिस, काली खांसी आदि रोगों के लिए लाइकेन से औषधि बनाई जाती है। आसनिक अम्ल एक एंटीबायोटिक है जिसे आसनिया नामक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। कवक, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। सभी कवक पर्णहरित विहीन नॉन क्लोरोफिलस होते हैं। अब ये अपना भोजन नहीं बनाते हैं बल्कि ये परपोषी होते हैं। इनमें संचित भोजन ग्लाइकोजेन एवं तेल के रूप में संचित होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ये सहजीवी, परजीवी एवं मृतोपजीवी तीनों रूप में पाए जाते हैं। लाइकेन सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इसमें कवक शैवाल के साथ रहता है। पॉक्सिनिया ऑस्टिलॉगो परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। राइजोपस, पेनिसिलियम आदि मृतोपजीवी के रूप में पाए जाते हैं। कवक से लाभ, इनका उपयोग एंटीबायोटिक्स के निर्माण में होता है, जैसे पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलिन। 1927 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सर्वप्रथम पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक बनाया था। क्लोरोमाइसिटिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन नामक एंटीबायोटिक्स कवक से ही बनाए जाते हैं। मशरूम का उपयोग भोजन के रूप में होता है। कवक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में एवं भूमि की उर्वरता बढ़ाने में सहायक होते हैं। ईस्ट का उपयोग शराब उद्योग, डबल रोटी उद्योग में होता है। कुछ कवक का उपयोग एंजाइम के निर्माण में भी होता है, जैसे ईस्ट से जाइमेज बनाया जाता है। विटामिन के संश्लेषण में भी उपयोगी होता है, जैसे साइनोकोबालामिन, विटामिन B12, स्ट्रेप्टोमाइसर्जीरियस सीसस नामक कवक द्वारा संश्लेषित होता है। राइबोफ्लेविन B2, ऑस्निया गोसिपी द्वारा। साइट्रिक अम्ल, गैलिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल, फ्यूमेरिक अम्ल इत्यादि के निर्माण में सहायक होता है। न्यूरोस्पोरा का उपयोग अनुसंधान कार्य में होता है। कवक से हानि, मनुष्य में कवक से भिन्न भिन्न प्रकार के रोग होते हैं। दाद, रिंग वर्म, माइक्रोस्पोरम कैनिस कवक के द्वारा। एथलीट फुट, ट्राइकोफाटोनी नामक कवक के द्वारा होता है। छाले, एस्पर्जिलस नाइजर नामक कवक के कारण होता है। एस्पिजुलोसिस, एस्पर्जिलस फ्लेक्स नामक कवक के कारण होता है। हे फीवर, अल्टरनेटिया नामक कवक के कारण होता है। पौधे में उत्पन्न रोग, कवक के कारण मूंगफली में टिक्का रोग होता है। गेहूं में किट रोग होता है, जिसे रस्ट ऑफ वेट या लूज स्मट कहते हैं। गन्ना में लाल अपच्छय, रेड रॉट ऑफ शुगर केन। सरसों में व्हाइट रस्ट होता है। आलू में अंगमारी, जिसे कि ब्लाइट रोग भी कहते हैं। कुछ कवक जहरीले होते हैं, जिसे खाने पर मृत्यु हो जाती है, जैसे अमीनटा, लैक्टेरियस आदि। कुछ कवक भोजन को नष्ट करते हैं, जैसे म्यूकर, राइजोपस, एस्परजिलस आदि। कुछ म्यूकर कपड़ा, चमड़े, कागज, लकड़ी इत्यादि को नष्ट कर देते हैं। एंटीबायोटिक एम्पीसिलिन बैक्टीरिया से प्राप्त होती है। किसी घाव पर एक बार खून जमने पर हानिकारक बैक्टीरिया के द्वारा इसमें प्रवेश नहीं कर पाते, प्रतिरक्षियों के कारण। पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। एफ्लाटॉक्सिन उत्पन्न किए जाते हैं एस्पर्जिलस से। जीवाणुओं में डीएनए एक अणु होता है जिसमें निम्न के बारे में सूचना एकत्रित होती है। जनन क्रिया के बारे में, हैजे के रोगाणुओं को फैलाते हैं घरेलू मक्खी। पीने वाले जल का बहाव कूड़ा, मल त्याग आदि से होता है।
तो कौन सा रोग का बढ़ावा होगा? हैजा। बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? 7 दिन के भीतर। किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? खसरा रोग के प्रतिरोध के लिए। दूध का खट्टा होने का कारण बैक्टीरिया है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? हैजा। बीसीजी का टीका निम्न में से किस में लगाया जाता है? यक्ष्मा रोग में। एस्प्रिन क्या है? एंटी पीरेटिक है। हैजे के रोगाणुओं को फैलाते हैं घरेलू मक्खी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के द्वारा नहीं फैलता है? मलेरिया। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करती है गला को। राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम नामक जीवाणु जो बीन, मूंगफली, मटर एवं चने में पाया जाता है, स्थित होता है जड़ में। एंथ्रेस निम्न में पाया जाता है, भैंस और भेड़ में। राइजोबियम जीवाणु है सहजीवी जीवाणु। निम्नलिखित में से कौन सा वैक्सीन डिफ्थीरिया के रोग से बचा सकता है? डीपीटी। निम्नांकित में से कौन सा ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है? टाइफाइड। डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? डिफ्थीरिया, काली खांसी, टेटनस जैसी बीमारियों के लिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज के समय में सर्वाधिक संख्या में लोगों के प्राण लेने वाला रोग है यक्ष्मा। निम्नांकित जोड़ों में किसका सुमेल है? न्यूमेनिया फेफड़े से संबंधित है। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है राइजोबियम द्वारा। निम्नलिखित में कौन नाइट्रिक कारक जीवाणु है? नाइट्रोसोमनस, नाइट्रोबैक्टर दोनों। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है पैपिडोग्लाइकॉन एवं म्यूकोपेप्टाइड के द्वारा। जीवाणुओं में राइबोसोम पाया जाता है 70। साइनोबैक्टीरिया में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है थाइलेकाइड में। मुख्य बातें प्रतिजैविकी एंटीबायोटिक वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं तथा सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं। प्रतिजैविक औषधियाँ भी जीवाणुओं से बनाई जाती हैं। एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक सेलमन वॉक्समैन थे। उदाहरण प्रतिजैविक का नाम, जीवाणु का नाम स्ट्रेप्टोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रोसियस, नियोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रोडी, टेरामाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस रेमोसस, ऑरियोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरियोकैसियंस, क्लोरोमाइसिटिन स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली नामक जीवाणुओं से प्राप्त होता है। जीवाणुओं के द्वारा होने वाले मनुष्य में प्रमुख रोग डिप्थीरिया क्या कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु के कारण होता है। काली खांसी हेमोफिलस पर्टुसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। टेटनस क्लोस्ट्रिडियम टिटैचिनी नामक जीवाणु के कारण होता है। निमोनिया डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु के कारण होता है। भोजन विषाक्तता क्लोस्ट्रिडियम बॉट्यूलिनम नामक जीवाणु के कारण होता है। मियादी बुखार टाइफाइड फीवर सेल्मोनेला टाइफोसा के कारण होता है। कुष्ठ रोग माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है। क्षय रोग टीबी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। सिफिलिस ट्रैपोनेमा पैलिडम नामक जीवाणु के कारण होता है। प्लेग पॉस्ट्यूरेला पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण होता है। हैजा जिसे कि हम कॉलरा भी कहते हैं विब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु के कारण होता है। मेनिनजाइटिस नाइसेरिया मेनिनजाइटिस नामक जीवाणु के कारण होता है। बैक्टीरिया जीवाणु की खोज 1683 ईस्वी में ल्यूवेन हॉक ने किया था। ल्यूवेन हॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। बैक्टीरिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1829 ईस्वी में एहरेन वर्ग ने किया था। जे लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज की थी। कॉलमेट ने बीसीजी के टीका की खोज की थी। लुई पाश्चर ने रेबीज का टीका एवं दूध के पाश्चुराइजेशन की खोज की। रॉबर्ट कोच ने जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किया। जीवाणु एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं। उनका व्यास 0.2 से 15 माइक्रोमीटर तथा लंबाई 3 से 5 माइक्रोमीटर होती है। जीवाणुओं में सत्य केंद्रक का अभाव होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लवक, लाइसोसोम इत्यादि का भी अभाव होता है। एचआईवी द्वारा होने वाला रोग है एड्स। एड्स का कारण है वायरस।
निम्नलिखित में कौन सी वायरल बीमारी है? कंजंक्टिवाइटिस। वायरल संक्रमण से कौन सा रोग होता है? सामान्य जुकाम। निम्नलिखित में कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है? पोलियो। एड्स फैलता है शारीरिक संपर्क से। विषाणु होते हैं जीवित अजीवित दोनों। एड्स के वायरस के लिए सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली दवाई है नोनोऑक्साइनोल। एड्स के एचआईवी वायरस के बारे में क्या गलत है? एड्स के रोगी के साथ खाना खाने से और उसके बिस्तर पर सो जाने से। एड्स वायरस STLV-3 की खोज किसने की थी? रॉबर्ट्स गैलो ने। एड्स का कारण है वायरस। वायरल संक्रमण से कौन सा रोग होता है? सामान्य जुकाम। विश्व के कुछ भागों में विद्यमान महासागरों, पशुओं का फूट एंड माउथ रोग होता है विषाणु के कारण। सॉर्स क्या है? विषाणु जनित रोग। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक है कोबाल्ट-60। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। मानवीय ल्यूकेमिया वायरस का कारण होता है रक्त कैंसर। पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया जोन सॉल्क ने। कैंसर से लड़ने के लिए कौन सा जानवर उपयोगी है? तारा मछली। पीलिया एक बीमारी है यकृत की। निम्न में से किस पौधे का उपयोग पीलिया के उपचार में होता है? क्रोटालारिया नामक पौधे का उपयोग पीलिया के उपचार में होता है। निम्नलिखित में से किन जोड़ों का गलत मिलान किया हुआ है? पीलिया गलाक से संबंधित है, यह गलत है। इंसेफलिटिस मास्तिक से संबंधित है। ब्रीहदान शोथ कोलन से संबंधित है। हेपेटाइटिस यकृत से संबंधित है। पीलिया रोग किसके सही रूप से काम न कर पाने के कारण होता है? यकृत के। कैंसर के प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? यू वृक्ष से। खसरा की बीमारी होती है वायरस के द्वारा। शरीर में किस स्थिति को कैंसर कहते हैं? सेलों का अनियंत्रित बहुगणन होना, इसमें स्वस्थ सेलों का दम घुटना और अंततः मृत्यु होना। एक रोगग्रस्त मानव शरीर की निम्न अवस्थाओं पर विचार कीजिए। सूजे हुए लसिका पर्व, रात्रि में पसीना आना, वजन का घटना, स्मृति का लोप। आलू के मोजेक रोग का कारण तत्व है विषाणु। पोलियो किससे संबंधित रोग है? तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग है। विषाणु द्वारा केला में कौन सा रोग होता है? बंची टॉप डिजीज। एड्स का अभिप्राय है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। किस देश में सबसे पहले एड्स का पता लगा? अमेरिका में 1981 ईस्वी में। किस रोग का विषाणु सबसे छोटा होता है? पोलियो माइलिटिस का। पागल कुत्ते के काटने से एक विषाणु जनित रोग फैलता है, इसे कहते हैं हाइड्रोफोबिया। निम्न में कौन सा एक विषाणु जनित रोग है? खसरा। पोलियो विषाणु का संक्रमण होता है भोजन तथा जल के संदूषण से। पीलिया प्रभावित करता है यकृत को। विषाणु जनित रोग ट्रेकोमा का संबंध है आँख से। आप इस पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।